हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोवल स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डेली का बुकैप हमारा चल रहा है, आज भी हम बुकैप पर बात करेंगे। ए लेटर का हमारा बुकैप अभी चल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट्स में जितने भी हमारे ए लेटर के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट्स बुकैप है वो हम यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज भी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए जो लोग CHSL MPSI व्यापम MTS ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। उन लोगों के लिए ही स्पेशल क्लास ज्वाइन कराई गई है। और जो हमारे वोकैबलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप डेली उनको देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ठीक है, तो आज हम इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है देखते हैं, वो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? बेसिकली आपको शीट्स पर दिखाई दे रहा होगा, एक्यूमेन मीन्स होता क्या है? थिंक डीपली बाय इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस, गहराई में सोचना या कुशाग्रता। ठीक है, क्या होती है हमारी? एक्यूमेन। इसके सैनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग, पैरासिपिसिटी, डिक्रीजमेंट और परसेप्शन। ये हमारे क्या है? इसके सैनोनिम्स है। देखो, परसिपिसिटी माने क्या होता है? अंदर तक जाने की शक्ति, यानी किसी के वर्ड या किसी भी वर्क में अंदर तक जाने की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुशाग्रता भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके जो एंटोनिम्स है वो है हमारे फूलिश। फूलिश मतलब क्या होता है? बेवकूफ़। एक इंटेलिजेंस और एक बेवकूफ़, ये हमारे क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, एक्यूमेंस मीन्स होता क्या है? इसको ट्रिक्स में कैसे याद करेंगे, हम आपके लिए स्पेशल ट्रिक्स लेकर आए हैं, देख लीजिएगा। एक्यूमेंस मीन्स होता क्या है? देखो, ट्रिक्स में हमने इसको बनाया है, वो कैसे बनाएंगे? एक्यू मीन्स बनाया है हमने IQ प्लस मैन मीन्स मैन, यानी कि व्यक्ति का IQ। IQ क्या होता है? उसका एक IQ लेवल होता है, वो जितने डीप तक जा सकता है। इससे हम याद कर लेंगे, एक्यूमेंट मीन्स कुशाग्रता। ठीक है, अंदर तक जाने की शक्ति, किसी भी कार्य में डीपली वर्क करने की शक्ति। फर्स्ट इज कम्प्लीट हो गया हमारा। सेकेंड वर्ड्स पर जाएंगे हम लोग। सेकेंड वर्ड्स है हमारा एडोमोनिस। एडोमोनिस क्या होता है? एडोमोनिस मीन्स होता है टू वॉर्म। वॉर्न मीन्स यानी क्या है? वॉर्न करना, किसी भी चीज़ की वॉर्न करना, चेतावनी देना। ठीक है, धिक्कारना, ये क्या होता है? एडोमोनिस। सैनोनिम्स क्या मिलेंगे इसके हमारे? क्यूजन। क्यूजन मीन्स होता है कारण। ठीक है, रेप्रीमेंड मीन्स चेताना। रिप्रोच, रिप्रोच करना किसी भी चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, एंटोनिम्स क्या है इसके? एंटोनिम्स अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मीन्स क्या होता है? स्वीकृति, किसी भी व्यक्ति की अप्रूव करना, किसी भी वेरीफाई करना, वो क्या होता है हमारा? स्वीकृति देना। एडमोनिस हो गया। एडमोनिस को याद कैसे करेंगे हम लोग? देखो, एडमोनिस बेसिकली होता क्या है? एड से याद करेंगे हम, डी मैन यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या करे? डी मैन से, तो को ऐसे याद कर लेते हैं। डीमैन से क्या है यहाँ पे? डोरीमोन। बच्चों के लिए क्या होता है? डोरीमैन बहुत देखते हैं कार्टून में। ये समझ लो कि डोरीमोन से बच्चे डरते हैं, ये समझ लीजिए आप। वैसे डरते नहीं हैं, खेलते हैं, बट आप समझ लीजिए डोरीमोन से लोग क्या करते हैं? डरते हैं। जब भी माँ बच्चों सोते नहीं है तो उसको क्या बोलती है? माँ, बेटा सो जाओ, नहीं तो कौन आ जाएगा? डोरीमोन। ठीक है, गब्बर नहीं है यहाँ पे, कौन है? डोरीमोन। ठीक है, तो डोरीमोन मतलब बीन्स, मतलब बॉर्न करना किसी भी चीज़ को, बच्चे को बॉर्न करती है माँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज हमारा एडवर्जरी। एडवर्जरी क्या होता है? एडवर्जरी होता है हमारा विरोधी या शत्रु। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्जरी। ठीक है, इसके जो मीनिंग्स होता है वो क्या होता है? ओपोनेंट। ओपोनेंट्स मीन्स होता है विरोधी, अपोजिट। ठीक है, सैनोनिम्स मिलेंगे इसके एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस, जहाँ भी एंटा दिए वो क्या होता है हमारा? अपोजिट वर्ड्स में यूज़ किया जाता है, एंटा विरोधी वर्ड्स में। ठीक है, सैनोनिम्स इसके एंटागोनिस्ट। एंटोनिम्स इसके एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मीन्स होता है साथी।
और नेक्स्ट है हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मिस्ट भी क्या होता है, हमारी मित्रता या साथू साथी सॉरी। ट्रिक्स कैसे याद करेंगे हम इसको एडवर्सरी को, देखो एडवर्सरी इसमें दिया है ट्रिक्स, जॉन सीना और रॉक एक दूसरे के कैसे हैं एडवर्सरी हैं। जॉन सीना जो WWE के एक बड़े ही प्लेयर हैं और क्या है हमारे रॉक एक दूसरे के क्या है एडवर्सरी है। ये ट्रिक्स हम आपके लिए बनाते हैं जिससे हमें याद हो जाए बेसिकली, अच्छे से ट्रिक्स से हमें अच्छे से याद हो जाता है, हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक सेव रहती है वो चीज़ें, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक्स लेकर भी आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टिप्स कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वर्ड इज़ हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी मीन्स होता है मिसफॉर्चुनेस। मिसफॉर्चुनेस माने अभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली। ठीक है, इसका जो मेन मीनिंग्स होता है वो होता है कठिनाई, किसी भी चीज़ के लिए कठिनाई विपत्ति विपत्ति आना क्या होता है हमारा एडवर्सरी। देखो एडवर्सरी और एडवर्स बनी किससे हैं, एडवर्स से। एडवर्स मीन्स होता क्या है हमारा विपरीत, क्या होता है विपरीत विपरीत। ठीक है, इसके सैनोनिम्स क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशंस, मिसचांस, मिसचांस यानी कि चांस खो देना, मिसचांस और रिवर्स, रिवर्स यानी कि पीछे आना, यानी कि विपत्ति के टाइम पे कैसे जाते हैं लोग पीछे। एंटोनिम्स क्या है इसके, प्राइविलेज। प्राइविलेज में तो होता है हमारा विशेष अधिकार, किसी भी चीज़ के प्रति हमारा विशेष अधिकार मिल जाना और किसी का विशेष अधिकार छीन जाना, वो क्या होता है हमारा एक दूसरे के क्या हो जाते हैं अपोजिट। एडवर्सिटी हो गया, देखो एडवर्सिटी को हम याद कैसे करेंगे, एडवर्सिटी एडवर्स मीन्स होता है हमारा देखो एडवर्स मीन्स क्या होता है हमारा विपरीत। सिटी को हम किससे यूज करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, विपरीत सिचुएशन। विपरीत सिचुएशन मीन्स क्या होता है हमारा, यानी कि हमारी कठिनाई वाला टाइम, यानी मुसीबत वाला टाइम, किसी के टीम टाइम के पीछे विपरीत सिचुएशन चल रही है यानी कि बुरी कंडीशन, वो क्या होती है हमारी एडवर्सिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एफेबल। क्या दिया है यहाँ पे, एफेबल। एफेबल मीन्स होता क्या है बेसिकली, मित्रतापूर्वक या मिलनसार, यानी किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं मित्रतापूर्वक, किसी भी चीज़ के प्रति मित्रता वाला व्यवहार करना। ठीक है, सोशेबल बोल सकते हैं उसको, सामाजिक रहना। सिनोनिम्स क्या है हमारे इसके, कंपोसेंट और ग्रेसियस। ग्रेसियस मीन्स क्या होता है हमारा, मित्रता या दानवीर भी बोल सकते हैं इसको। और बेनिंग, बेनिंग हमारे ये सारे हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है हमारे इसके, कल्ट, रूड बिहेवियर, बोरिस यानी कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करें और एक अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे इसको, देखो एफेबल मीन्स क्या होता है हमारा, एफेबल से हम निकालेंगे फ्रेंड। एफ से क्या निकाला हमने, फ्रेंड के लिए जो अवेल हो, एफेबल फ्रेंड के लिए जो अवेल हो वो हमारा क्या बोल सकते हैं हम इसको, एफेबल। एफेबल फ्रेंड के लिए जो अवेल हो, अवेल मतलब क्या हो, जिसकी योग्यता हो या वो क्या हो, उसको फ्रेंड अफेबल बोलेंगे, उसको अफेबल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट ये तो आप लोग जानते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, धनी। एफ्यूलेंट धनी व्यक्ति या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोशल वो सॉरी वेल्थी भी क्या बोलते हैं इसको, धनी। ठीक है, इसके सैनोनिम्स क्या है हमारे, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट मीन्स भी होता है हमारा धनी। नेक्स्ट इज प्रफ्यूज। प्रफ्यूज मीन्स होता है हमारा प्रचुर, प्रचुर मात्रा में पाना क्या होता है, प्रफ्यूज। नेक्स्ट इज हमारा एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। एंटोनिम्स है इसके डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट माने क्या होता है, बेसहारा। क्या होता है, बेसहारा। ठीक है, एफ्यूलेंट मीन्स क्या होता है, धनी। ठीक है, इसके पास सब कुछ है, और इसके एंटोनिम्स क्या मिलेंगे, डिस्टिट्यूट। इसके पास कुछ नहीं है, जो कैसा है, बेसहारा। ठीक है, एक और वर्ड मिलेगा यहाँ पे, एफिनियस। एफिनियस मीन्स होता है गरीबी। क्या होता है, गरीबी। इसकी ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, फुल ऑफ रेंट, इसको याद कर लो, फुल ऑफ एफ्यूलेंट, फुल ऑफ रेंट। ठीक है,
यानी कि जो हमारा मकान मालिक फुल किराया लेता है हमसे, तो वो कैसा हो गया मकान मालिक? धनी हो गया। कैसा हो गया? धनी। तो उसको को क्या बोल सकते हैं हम? एफ्यूलेंट मीन्स धनी। नेक्स्ट इज, सीट चेंज करते हैं। एक सेकंड, देखो नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे हम लोग, इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एग्रेसिव। एग्रेसिव दिया होगा नेक्स्ट वर्ड, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पर। एग्रेसिव मीन्स क्या होता है? गुस्से में, किसी भी चीज के प्रति गुस्सा होना, एग्रेसिव हो जाना क्या होता है? गुस्सा। सेल्फ असर्टिव, असर्टिव मीन्स क्या होता है? खुद का गुस्सा। सेल्फ किसी और के प्रति नहीं, खुद में गुस्सा हो जाना किसी और के प्रति, क्या होता है? सेल्फ असर्टिव इसका मीन्स होता है। सैनोनिम्स इसके क्या मिलेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे सैनोनिम दिए हमारे बम टीएस और ऑफिशियस। ऑफिशियस और बम टीएस, ये क्या होती है सारी चीज़ें? गुस्से में, ठीक है, या घातक, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी? एग्रेसिव। एंटोनिम्स है इसके मीक, मीक यानी कि शांत रहना या गूंगा, क्या बोल सकते हैं इसको? मीक। और डेफिनेट और हम्बल, हम्बल किसी के प्रति हम्बल बिहेवियर, जैसे कि बिल्कुल शांत बिहेवियर, हम्बल मीन्स होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 8 नंबर का जो वर्ड्स है वो है हमारा एलर्सिटी। एलर्सिटी क्या हो सर हमारा? एलर्सिटी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसका मीन्स क्या है? चेयरफुल या प्रमोट, क्या दिया हमें? प्रमोटनेस। एलर्सिटी मीन्स होता क्या है समझ लीजिए? उत्साह या तत्परता, मीन्स क्या है इसका? उत्साह। चेयरफुल मीन्स क्या होता है? उत्साह, फुर्तीला या तत्परता, जो किसी भी काम के प्रति तत्पर रहे, क्या बोल सकते हैं इसको? एलर्सिटी। इसके सैनोनिम्स क्या है हमारे सामने? कैलेसिटी और एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा में रहना हमेशा। इसके एंटोनिम्स क्या है हमारे सामने? एपैथी, एपैथी मीन्स होती है उदासीनता, और लेथर्जी, लेथर्जी में सुस्ती, किसी भी काम के प्रति कैसे होना? सुस्ती यानी कि और उदासीनता, ये इसके क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स है। ठीक है, इसका मीन्स होता है फुर्तीला या उत्साहित। टिक्स कैसे याद करेंगे समझ लीजिए, देखो अलग, इससे याद करेंगे अलग, ये क्या हो गया हमारा? अलग। ठीक है, और इससे वर्ड से बनेंगे हम आकृति, यानी हमें अपनी एक अलग ही इमेज बनाना है, अलग ही आकृति बनानी है। जब हम किसी अलग इमेज और अलग आकृति की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली होगा क्या, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उत्साह, तत्परता, फुर्तीला, ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जब हम अपनी समाज में या देश में कहीं भी अपनी अलग आकृति बना पाएंगे, अलग बिहेवियर या अलग इमेज बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर का कंप्लीट हो गया हमारा। 9 नंबर का देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, 10 नंबर हमें कंप्लीट कराने होते हैं। एक मीनिंग से मैंने जैसे बताया था पहले भी, एक मीनिंग से इसमें 5 मीनिंग्स कंप्लीट हो रही हैं, सैनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। तो 10 मीन्स 5, यानी कि हम एक क्लास में 50 मीनिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं, 50 मीनिंग्स। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बुकें हम कंप्लीट कर रहे हैं जिससे हमें बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलियंट। एलियंट्स क्या होता है यहाँ पे? एलिनेट। एलिनेट क्या होता है यहाँ पे? मीन्स क्या है इसका? टू एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज मीन्स होता है बहिष्कार करना। एलिमेंट्स मीन्स होता है हटा देना या रिमूव कर देना किसी भी चीज़ को, वो क्या होता है? एलिनेट। देखो यहाँ पे सैनोनिम दिए हैं इसके, रिमूव, हटा देना, ट्रांसमिट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना किसी भी चीज़ का, इंसुलेट कर देना यानी बहिष्कार कर देना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या मिलेंगे इसके? इन्वॉल्व, इसको हटा देना। इन्वॉल्व मीन्स शामिल कर लेना, शामिल हो जाना, क्या है? और इसकी ट्रिक्स क्या है हमारी? देखो ट्रिक, एलिनेट हमारा किससे थोड़ा बहुत मैचिंग कर रहा है राइमिंग वर्ड से? अलीनाथ से। क्या कर रहा है? अलीनाथ से। अलीनाथ इसका सेम मीनिंग्स होता है, सेम नहीं, थोड़ा हम राइमिंग वर्ड्स पर बात करेंगे। एलिनेट, अलीनाथ। अलीनाथ को हमने बहुत ज़्यादा ही र्यूमर्स फैला रहे थे हमारे ग्रुप वाले मैसेज में, चैट पर, ठीक है, ग्रुप में, तो हमने इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया अलीनाथ को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिमूव। अलीनाथ मीन्स होता है हमारा रिमूव कर देना, हटा देना, स्ट्रेंथ, बहिष्कार कर देना।
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर हम बात करेंगे। 10 नंबर वर्ड से हमारा हमारा एले, एले मीन्स होता है हटान घटाना, एले एले मीन्स क्या होता है हमारा घटाना या कम कर देना, किसी भी चीज को घटा देना या कम कर देना, वो क्या होता है हमारा एले। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग्स है वो क्या है हमारा टू कॉम शांति, यानी कि टू कॉम बिल्कुल शांत रहना, तो हमारे गुस्से को जो कम कर दे वो कैसा हो जाएगा फिर, शांत बिहेवियर हो जाएगा उसका, अपने गुस्से को कम देना यानी टू कॉम शांत रहना। सिनोनिम्स क्या है इसके, पैसिफाई शांति, मॉलीफाई ये भी होता है हमारा शांति, शांत सबका मीन्स क्या है बिल्कुल शांत बिहेवियर वाला। इसके एंटोनिम्स क्या है हमारे, इंटेंसिफाई यानी तेज, इंटेंसिफी मीन्स क्या होता है तेज, और एग्रोवेट, एग्रोवेट मीन्स क्या होता है गुस्से में, इसके मीनिंग्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे, देखो इसका ट्रिक थोड़ा डीप है समझ लीजिए, जब बच्चा रोता है तो उसको शांत करने के लिए, उसके गुस्से को या उसका रोना कम करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एले 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 क्यों रो रहे हो बच्चे, ये हमारा क्या होता है एले मीन्स होता है गुस्सा कम कर देना या शांत कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे 10 वोकैबुलरी कंप्लीट होती हैं जो कि हमारी डेली चल रही है। इसी के साथ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। थैंक यू।